जय हिंद। बिहार दरोगा का रिज़ल्ट आउट हो गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट को BPSSC के द्वारा आउट कर दिया गया है। गाइस, कैसे रिज़ल्ट को चेक करेंगे? आप लोग अगर इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिए हैं तो आपका मेंस का तैयारी बहुत ज़ोर शोर से होना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में रिज़ल्ट से संबंधित सारा टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन SI रिज़ल्ट 2024 PDF फाइल में, जो कि आप लोगों का रिज़ल्ट है, आप अपना रिज़ल्ट को चेक कर पाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में रिज़ल्ट से संबंधित हर विषय को कवर करेंगे। क्या कट ऑफ रहने वाला है, किसका अगला मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपको इस वीडियो को देखना ही चाहिए। बिहार पुलिस SI रिज़ल्ट 2024 चेक स्कोर कार्ड एंड कट ऑफ मार्क्स, यहाँ से देखें बिहार पुलिस SI का रिज़ल्ट। बिहार पुलिस दरोगा रिज़ल्ट 2024 बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC द्वारा सब इंस्पेक्टर पद पर आयोजित की गई भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा पहले भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी बिहार पुलिस SI आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। BPSSC द्वारा दरोगा भर्ती SI एग्ज़ाम का रिजल्ट जनवरी महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है। बिहार पुलिस SI का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार पुलिस SI की परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को दो शिफ्टों में आयोजित हुई थी। प्रथम शिफ्ट का टाइम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक था, जबकि द्वितीय शिफ्ट का टाइम दोपहर 2:30 से 2:40 बजे तक था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 6.60 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। हालांकि परीक्षा देने सेंटर पर 5.61 लाख उम्मीदवार ही पहुंचे थे। SI परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों में 613 केंद्र बनाए गए थे। बिहार पुलिस SI एग्ज़ाम 2023 शेड्यूल, एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर, इवेंट फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, टाइमिंग इतना बजे से इतना बजे तक, रिपोर्टिंग टाइम, ये सब आपका शेड्यूल है एग्ज़ाम से। बिहार पुलिस SI रिजल्ट 2024 कैसे देखें, हाउ टू चेक बिहार पुलिस SI रिजल्ट। बिहार पुलिस SI रिजल्ट पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, होम पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। SI रिजल्ट पे क्लिक कर दें, उसके बाद स्क्रीन पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज हम सारा डिटेल्स को कवर करेंगे, कैसे रिजल्ट देख पाएंगे आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार पुलिस SI रिजल्ट 2024 कब आएगा? बिहार पुलिस SI रिजल्ट 2024 डेट, बिहार पुलिस SI का रिजल्ट, बिहार पुलिस SI रिजल्ट की का परीक्षार्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कैंडिडेट्स यहां जानना चाह रहे थे, यही जानना चाह रहे थे कि परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की तिथि, बिहार दरोगा रिजल्ट डेट क्या है। उम्मीदवारों के इस सवाल का जवाब आज 25 जनवरी 2024 को मिल गया है। भर्ती बोर्ड ने 25 जनवरी 2024 को SI का परिणाम, बिहार SI रिजल्ट रिलीज कर दिया है। तो आज 25 जनवरी है, आज ही आप लोगों का एग्जाम ही रिजल्ट को जो है रिलीज किया गया है। आज ही आप लोगों का रिजल्ट आउट हो गया गाइस, अपना अपना स्कोर को देख ले। बिहार पुलिस SI रिक्वायरमेंट 2023 एग्ज़ाम पैटर्न, बिहार पुलिस SI के एग्ज़ाम में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के रहेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न
के 2 अंक होंगे उम्मीदवार को। एसआई प्रश्न पत्र बिहार एसआई एग्जाम पेपर में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के सवाल प्राप्त होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को 2 घंटे का समय मिलेगा। बिहार पुलिस एसआई के पेपर में नेगेटिव मार्किंग 0.2 अंक की होगी। ऑब्जेक्टिव ओएमआरसी टोटल क्वेश्चन 100 का था, टोटल मार्क्स 200 का था, टाइमिंग ड्यूरेशन 2 घंटा का था, नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स का था। इसमें जनरल नॉलेज का था 100 प्रश्न, मार्क्स 200 का था, करेंट अफेयर्स का था, टोटल हो गया आपका 200। बिहार पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2023 डिटेल। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती, बिहार पुलिस दरोगा रिक्वायरमेंट 2023 तहत कुल 1275 रिक्तियों को भरा जाएगा। 1275 में से 441 पद जनरल कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद, पिछड़ा वर्ग ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 107 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैंडिडेट्स हेतु 238 पद तय है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों हेतु 82 पद रिजर्व है। अनुसूचित जाति में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हेतु 275 पद आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 16 पद तय किए गए हैं। इन सबके अलावा ट्रांसजेंडर हेतु 5 पद रिजर्व है। ये सब किस कैटेगरी का कितना पद है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देख पाएंगे आप। ईडब्ल्यूएस का 111, बीसी का है 107, ईबीसी का है 238। तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी का दिया गया है। एससी का, एसटी का टोटल पोस्ट 1275 जो कि आपका आया, ट्रांसजेंडर का 5 और एसटी का 16 पद। बिहार पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2023 शेड्यूल सिलेक्शन प्रोसेस। बिहार दरोगा की चयन प्रक्रिया बिहार एसआई सिलेक्शन प्रोसेस कुल 4 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा 100 प्रश्न होगी। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स द्वितीय चरण में मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम के लिए केवल भर्ती पदों के 20 गुना उम्मीदवारों को ही प्रीलिम्स परीक्षा से क्वालिफाई किया जाएगा। मेंस एग्जाम बिहार एसआई मेंस एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। दोनों पेपर प्रत्येक कैंडिडेट्स को देने होंगे। मेंस एग्जाम के प्रथम पेपर में कुल केवल सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न 200 अंक के होंगे, जिसे 2 घंटे की अवधि में हल किया जाएगा। मेंस एग्जाम के द्वितीय पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित 100 प्रश्न 200 मार्क्स के होंगे। मेंस एग्जाम के द्वितीय पेपर को भी 2 घंटे की अवधि में कैंडिडेट्स द्वारा हल किया जाएगा। फेज 3 में मेंस एग्जाम पास कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। फिजिकल टेस्ट बिहार एसआई फिजिकल टेस्ट में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक आयोजित होंगे। फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण कैंडिडेट के लिए फेज 4 में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी तथा दरोगा के पद पर बिहार में नियुक्ति मिलेगी। फेज 1 में प्रीलिम्स होगा, फेज 2 में मेंस होगा, फेज 3 में फिजिकल टेस्ट, फेज 4 में फाइनल मेरिट लिस्ट। 4 प्रक्रिया होगा आपका इस एग्ज़ाम का। तो आपको चारों प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे बिहार एसआई रिजल्ट 2024 इम्पोर्टेंट डिटेल्स एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो कि आपका यहाँ पे आपको मालूम होगा कब आपने फॉर्म भरा था, कब उसका लास्ट डेट था, ये सब इम्पोर्टेंट डेट है। यहाँ से आपको जो है रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है चेक करने का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग का, एग्ज़ाम डेट नोटिस आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड, यहाँ पे हरा कुछ रिजल्ट आपको इसी पे मिल जाएगा। चलिए हम आपको रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, रिजल्ट चेक करके भी बता देते हैं, तो आपका कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगा। तो आपको रिजल्ट के लिए यहाँ पे इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जो कि
इसी PDF के तहत आप अपना रोल नंबर और एग्ज़ाम को मिला पाएंगे। ये कोई फेक नोटिस नहीं है गाइस, जो कि आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। तो आपको मालूम होगा शायद यह बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक 30/9/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2023 के क्रम में दिनांक 7/12/2023 रविवार को कुल अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 2 पालियों में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए आपका एग्ज़ाम कब हुआ था। तो आपको रिजल्ट जो है नीचे आ जाना होगा, रिजल्ट के लिए यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा PDF आपको मिल जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको साइड में कॉर्नर में एक सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी रोल आपका अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो उस पे आपका कोई भी कलर से मार्क हो जाएगा, या ग्रीन हो या येलो हो या रेड से मतलब मार्क हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा आपका क्वालिफाई हो गया है। अगर नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए आपका डिसक्वालीफाई हो गया, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपका नहीं आएगा। तो ये आपका प्रोसेस हम आज बता दिए, रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। हम आपको अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का इम्पोर्टेंट हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे बिहार दरोगा का रिलेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।